उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी मंच द्वारा मुजफ्फरनगर कांड के शहीद आंदोलनकारियों को श्रद्धा सुमन अर्पित कर शहीद स्मारक से घंटाघर स्थित पर्वतीय गांधी स्वर्गीय इंद्रमणि बडोनी स्मारक तक सभी ने न्याय दो जवाब दो यात्रा निकाली। जहां सत्ता में बैठने के लिए भारतीय जनता पार्टी आशीर्वाद यात्रा निकाल रही है, कांग्रेस परिवर्तन यात्रा निकाल रही है, उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी मंच अपने शहीदों को न्याय देने के लिए, वो शहीद और जिंदा शहीद दोनों को न्याय मांगने के लिए न्याय दो जवाब दो। सीबीआई में पिछले 27 साल से मुकदमा चल रहा है, आज तक न्याय नहीं मिला। हमारी निर्भया को 6 महीने से 1.5 साल के अंदर न्याय मिलता है, जो एक बहुत बेहतरीन कदम था न्याय व्यवस्था का। लेकिन उत्तराखंड मुजफ्फरनगर खटीमा मसूरी देहरादून, इसमें आखिर क्या ऐसी व्यवस्था आ रही है कि 27 साल न्याय में लग गए। आज भी हम लोग 21 साल बाद अपने आंदोलनकारियों को पहचान के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। उन शहीद परिवारों को न्याय दिलाने के लिए आज सब लोग लामबंद होकर यहाँ पे आए हैं और न्याय दो यात्रा दो। हमने सीबीआई से जवाब मांगा है, हमने सुप्रीम कोर्ट से जवाब मांगा है। आंदोलनकारियों का कहना है कि राज्य बनाने में अपना योगदान देने वाले आंदोलनकारियों को वह सम्मान नहीं मिल पा रहा है जो उन्हें मिलना चाहिए। आज तक राज्य आंदोलनकारी शहीदों को न्याय नहीं मिला, जिस कारण आज राज्य आंदोलनकारियों को अपनी मांगों को लेकर आज सड़कों में आना पड़ रहा है। आज जो हमने यात्रा की है, न्याय दो जवाब दो यात्रा जो करी है। सरकार ने पिछले 20 सालों में तो उत्तराखंड आंदोलन में जो शहीद हुए हैं रामपुर तिराहे कांड पे, उनके दोषियों को आज तक सजा नहीं हुई है। तो ये उसके लिए न्याय के लिए लड़ाई हमारी और ये जारी रहेगी। उत्तराखंड राज्य आंदोलन के दौरान जेलों में रहा, घायल हुआ, लेकिन दुर्भाग्य है जिस राज्य के लिए हम घायल हुए, हमारे माता और बहनों ने अपना कुर्बानी दी, बलिदान दिया, उस राज्य को आज ये जो सत्ता में बैठे लोग हैं दोनों हाथों से लूट रहे हैं और लुटवा रहे हैं। ये बड़ा दुखद है और इसके हम घोर भर्त्सना करते हैं। धामी जी से प्रार्थना करती हूँ कि इतने साल हो गए हमें परेशान करते करते, हर मंत्री आता है हम करेंगे करेंगे, और आज भी उन्होंने मोबाइल में दे रखा है न्यूज़ कि हमने सबकी पेंशन बढ़ा दी है, ये कर दिया वो कर दिया। ये झूठ अफवाहें नहीं बढ़ानी चाहिए। इतने लोग इतने सालों से परेशान हो रहे हैं, कम से कम धामी जी आप आके हम लोगों का उद्धार कर दीजिए और हमारे बच्चों का भी उद्धार कर दीजिए। जो सरकार है ये आंदोलन की प्रार्थना सुने। हम 94 से लेकर अभी तक हम सड़कों में, और हमने इसलिए ये राज्य नहीं लिया था कि हम ऐसे भटकते हैं। हमारे बच्चे जो हैं छोटे छोटे बच्चे, हम इतने छोटे बच्चों को छोड़ के आए थे, ताला लगा कर हम सड़कों में रहे। 94 से लेकर अभी तक हम सड़कों में फिर रहे हैं। अरे हमने राज्य मांगा था अपने उत्तराखंड के बच्चों के लिए, सबके लिए, कि इन बच्चों को यहाँ पर न्याय मिलेगा, यहाँ इनको नौकरी मिलेगी। हमने ये नहीं चाहता हमें पेंशन मिलेगी, ये मिलेगा। ये तो सरकार ने सम्मान किया है और हमारा लॉलीपॉप पकड़ा है हमारे हाथों में। पड़ोस में ही कई बच्चे शहीद हुए, लेकिन अभी तक सबका चिन्हीकरण भी नहीं हुआ, ना कभी कोई पूछता। कभी कोई वो हो गया आंदोलन तो चलो भाई उसके नाम पे थोड़ी भीड़ निकाल लो, बाकी कोई सुनवाई नहीं हुई, ना चिन्हीकरण हुआ। तो हमारी यही प्रार्थना है कि सबका चिन्हीकरण करें और जो भी उनको सेवा देनी है थोड़ी बहुत उनको सेवा दें। आज के दिन हमारे जवान गए हैं, हमारे बच्चे गए हैं, हमारे किसी के पति गए हैं, किसी की पत्नी गई है। हमारी सरकार कितनी बदल गई, कितनी आती है और सत्ते पे बैठ करके सब कुछ भूल जाते हैं। जब ये वोट मांगने के लिए आते हैं तो कहते हैं हम आंदोलनकारी की पीड़ा समझते हैं और आंदोलनकारियों को हम बढ़ाएंगे, आगे बढ़ाएंगे, आश्वासन देते हैं। लेकिन जब ये सत्ते पे बैठ जाते हैं, गद्दी पे बैठ जाते हैं, तब ये भूल जाते हैं कि हम आंदोलनकारी हैं। राज्य आंदोलनकारियों ने साथ ही कहा है कि राज्य में सत्ता पर आने के लिए जहाँ भाजपा आशीर्वाद यात्रा निकाल रही है तो वही कांग्रेस परिवर्तन यात्रा निकाल रही है, तो उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी न्याय यात्रा निकालने को मजबूर हो रहे हैं। राज्य ने कई मुख्यमंत्री बदल दिए लेकिन किसी ने आज तक आंदोलनकारियों की सुध नहीं ली। साथ ही अब समय आ गया है कि जनता एक बार राज्य की अपनी पार्टी यूकेडी को इस बार मौका दे, जिससे उत्तराखंड राज्य का विकास संभव हो। हमारे सरकार से जवाब दो, न्याय दो। भू कानून, राज्य आंदोलनकारियों के चिन्हित
और 10% छत्तीस आरक्षण, ये तीन हमारी मेन मांगे हैं जिस पे हमने आंदोलन लड़ा था। हमने जल जंगल जमीन के लिए आंदोलन लड़ा था। आज हम पे न जल है, न जंगल है, न जमीन है। जमीन भूमाफियों के कब्जा कर दिया, जंगल वन माफियों ने कब्जा कर दिया, और जो हमारे जल के स्रोत थे, हमारे जो पहाड़ों में खनन हो रहा है, जो वहाँ टनलें बन रहे हैं, उससे हमारे पूरे जल के स्रोत सूख चुके हैं। हम 94 के आंदोलनकारी, हमारी 42 शहादतें यहाँ से गई हैं और 8 हमारे गुम हैं, वो भी हमारे शहादतों में ही हैं। तो हम सरकार से यूँ कह रहे हैं, 21 सालों में 13 मुख्यमंत्री यहाँ बदल गए हैं और 13 मुख्यमंत्रियों ने हमारे राज्य आंदोलनकारी की कोई सुधि नहीं ली।